इस्लामाबाद के F9 पार्क में सजी नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप, बच्चों के मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुकाबले हुए, रंगारंग तकरीब का अहवाल जानिए शहराज अहमद की रिपोर्ट में। बुलंद हौसले, जीतने की लगन और बरसों की मेहनत, हैं तो छोटे मगर खेल ऐसे रहे हैं कि बड़े बड़े भी हैरान हो जाए। इस्लामाबाद में रंगारंग स्केटिंग चैंपियनशिप के मुकाबले हुए। मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबलों में बच्चे, बच्चियों और नौजवानों ने भरपूर हिस्सा लिया, एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए खूब जोर आजमाई की। जीतने वाले खिलाड़ियों का कहना था कि स्केटिंग मुश्किल जरूर है, मगर हिम्मत और हौसला हो तो कुछ भी आसान हो जाता है। मैंने फर्स्ट राउंड किया और सेकंड राउंड में मुझे लग रहा था कि मैं नहीं जीत सकती, लेकिन फिर मैंने बाकियों को देखा कि जब उनका स्टेमिना लो हुआ, मैंने कहा यस, अब मैं यहाँ से टर्न लेके जीत सकती हूँ। कॉम्पिटिशन बहुत टफ था, तो अभी जो फर्स्ट पोजिशन आई है तो बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल, एंड टाइम पे मैं सेकंड पे थी, लेकिन मुझे एक बच्ची ने वो किया और मैं थर्ड पे आ गई, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड, थैंक यू। इवेंट के ऑर्गेनाइजर प्रोफेशनल स्केटर बिलाल अखुनजादा ने कहा, हुकूमती सरपरस्ती हो तो टीम बनाकर इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा ले सकते हैं। मैं अगर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करी तो उनको मैं नेशनल टीम बना के दूंगा, जो कि इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेके इस पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। शानदार मुकाबले देखने के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग खिंचे चले आए और खूब महसूस हुए। इवेंट के आखिर में कामयाब खिलाड़ियों में ट्रॉफियां, मेडल्स और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। अगर इन बच्चों की